बैक टू माई चैनल इजी लर्निंग 100%। तो आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट के जो वर्कबुक का है यूनिट 4 का वेरी फर्स्ट चैप्टर एन एक्शन सॉन्ग जो कि एक पोएम है, तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको मैं देने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यस, हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स है वो उसमें आपको पता है पोएम में हमेशा हमारा राइमिंग वर्ड्स ही होता है इंपॉर्टेंट, ज़्यादा करके इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे। तो एन एक्शन सॉन्ग में चलिए देखते हैं कौन कौन से राइमिंग वर्ड आपको वर्कबुक में दिए हुए हैं। तो मैं आपको वर्कबुक का क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसन एंड सिंग द पोएम गिवन ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31। आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे ये जो पोएम है एन एक्शन सॉन्ग वो आपको मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप देख सकते हैं जाके कि मैंने उसे कैसे रिसाइट किया है, वैसे ही उसे रिसाइट करना है। अब यहाँ पर कुछ हमको दिया है लुक एंड से, मीन्स आपको देखना है, बोलना है, मीन्स ऑब्जर्व करना है कि ये क्या है। टर्न बर्न, देखिए ये राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेम साउंड करता है और जो लास्ट की स्पेलिंग है वो भी सेम होती है। देखिए लास्ट में आर एन है, आर एन मीन्स एंड, जो स्पेलिंग का एंड होगा मोस्टली 1, 2, 3 सेम होता है, ओके 3 तक सेम होता है। सो देखिए यू आर एन सो टर्न बर्न, नोज टोज, देखिए इसमें भी ओ एस सी यहाँ पर देखिए, हाँ नोज है, ये टोज है, यहाँ पे एस ई है बट यहाँ पे ई एस है, लेकिन साउंड जो है हमारा सेम साउंड कर रहा है, नोज टोज। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर तो एस ई है बट यहाँ पे ई एस है तो ये राइमिंग नहीं होगा। नो, ये भी राइमिंग है, आपका साउंड सेम आ रहा है ना, बस हमें साउंड सेम चाहिए। सो नोज टोज, चाहे ई एस हो चाहे एस ई हो, आपका मीन्स जंबल हो सकता है, तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि नोज का टोज ही होगा। सो टर्न बर्न नोज टोज। शर्ट कट, देखिए यूटी शर्ट कट, किसी में दो सेम होते हैं एंड में, किसी में 1 होते हैं ओनली, किसी में 3 भी होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, सो सब डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सिट है, किट है, सो आई टी देखिए यहाँ पे आई टी कॉमन है, सो सिट किट। हैंड बैंड, यहाँ पर देखिए A N D तीनों लेटर्स इसमें कॉमन है, सो हैंड बैंड। ग्राउंड राउंड, R O U N D यहाँ पर तो पूरा ही राइमिंग है, इसमें सिर्फ G एक्स्ट्रा है, सो ग्राउंड राउंड। जम्प पम्प, देखिए U M P जम्प पम्प। पुल फुल, U L U L L पुल फुल। हेड थ्रेड, E A D आईज बाइज, Y E S क्लैप फ्लैप, L A P हाय थाई, I G H। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको राइमिंग वर्ड मैंने करा दिया है, तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। टर्न बर्न, नोज टोज, शट कट, सिट किट, हैंड बैंड, ग्राउंड राउंड, जम पम्प, पुल फुल, हेड थ्रेड, आईज बाइज, क्लैप फ्लैप, हाय थाई। सो ये हमारा राइमिंग वर्ड हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि हर वर्कबुक में, हर चैप्टर में ये आपको वर्ड फाइल दी होती है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि वर्ड फाइल में हार्ड वर्ड्स लिखे जाते हैं या फिर जो भी यहाँ पे बोला, यहाँ पर कहा है राइट एनी 8 पेयर्स ऑफ वर्ड हियर, यस कोई भी 8 पेयर बोला, बस यहाँ पे पेयर्स बोला यानी मीन्स आपको पेयर में लिखना है, दो जोड़ी एक साथ लिखनी है, मीन्स ये जो राइमिंग वर्ड है इसमें से कोई भी आप दो जोड़ियाँ करके इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है ग्राउंड राउंड, टर्न बर्न, नोज टोज, शट कट, सिट पिट, हैंड बैंड, जम्प पम्प एंड पुल फुल। तो ये है हमारा वर्ड फाइल। चलिए यहाँ पर कुछ और भी दिया है, रीड कर लेते हैं। रीड द वर्ड्स एंड शो द प्रॉपर बॉडी पार्ट्स। आपको यहाँ पर एक देखिए फेस दिया हुआ है बच्चे का और उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो आपको दी गई हैं, तो उससे आपको शो करना है कि कौन से बॉडी पार्ट कहाँ पर है। देखिए ये पूरा जो है एरिया, इसे हम फेस कहते हैं, जितना भी ये पूरा एरिया है मीन्स हेड को छोड़ के ये एरिया, इसे हम फेस कहते हैं। तो ये इसका फेस है। हेड मीन्स सर, ऊपर का जो सिर है उसे हम हेड कहते हैं। हेयर, ये जो बाल आपको दिख रहे हैं ब्राउनिश, तो ये हेयर हो गया। नोज, ये रहा इसके नोज, तो ये नोज है। फिर चिन, ये लिप्स के ठीक नीचे जो ये होता है पोर्शन, इसे हम चिन कहते हैं।
चिक्स, दोनों गाल देखिए यहाँ पे जो रेडिश रेडिश ये दिख रहा है, इसके चिक्स हैं। सो चिक्स दोनों भी चिक्स हैं, एक है तो चिक दोनों साइड के चिक्स हो गए। माउथ, यस ये माउथ है इसका। टीथ, यहाँ पर टीथ नहीं दिखाई दे रहे हैं बिकॉज इसका माउथ शट है, बंद है, तो टीथ तो अंदर होंगे। फिर टंग भी अंदर है जो कि यहाँ पे शो नहीं किया है। जीभ, टंग मीन्स जीभ, टीथ मीन्स दांत। ईयर्स, यस ईयर दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ये हो गए इसके ईयर्स। लिप्स देखिए यहाँ पर, ये लिप्स है इसका। आईज, ये दोनों इसकी आईज हैं। ओके, तो ये फेस के पार्ट्स हैं, फेस के जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो आपको दिए गए हैं सिर्फ फेस के। तो फेस, हेड, फेस मीन्स पूरा चेहरा, हेड मीन्स सिर, हेयर मीन्स बाल, नोज मीन्स नाक, चिन मीन्स ये टुड्डी, चिक्स मीन्स गाल, माउथ मीन्स मुंह, टीथ मीन्स दांत, टंग मीन्स जीभ, ईयर्स मीन्स कान, लिप्स मीन्स होंठ, आईज मीन्स आंखें। ओके, तो यहाँ पर जो है ये हमारा हार्डवर्क भी कंप्लीट होता है जो भी बॉडी पार्ट्स का है। अब देखते हैं कुछ और भी वर्ड्स आपको दिए हैं। फेस दिया है, आपको स्पेलिंग यहाँ पे कॉपीराइट करनी है, इसलिए कॉपीराइट दिया है ताकि आपको लर्न हो तो अच्छा होगा कि आप इसको रीड करते हुए लिखेंगे कि एफ ए सी ई फेस, तो आपको इससे लर्न भी हो जाएगा और अगर रीडिंग के टाइम भी ये वर्ड्स आए तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये फेस है। इसी तरीके से हेड है, हेयर है, नोज, चिन, चिक्स, माउथ, टीथ, टंग, ईयर्स, लिप्स, आई, सेम वही आपको फेस के पार्ट्स दिए हैं, उसे बस यहाँ पे कॉपी डाउन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। राइट द स्मॉलर वर्ड हिडन इन दिस वर्ड। यस, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये काफ़ी क्वेश्चन मोस्टली हर चैप्टर में आपको ये मिलेगा, फाइंड स्मॉलर वर्ड्स, हिडन वर्ड्स। तो लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। द स्मॉलर वर्ड शुड बी इन द सेम ऑर्डर एज फाउंड इन द बिगेस्ट वर्ड। यस, ये जो बिगेस्ट वर्ड है उसमें से आपको छोटे वर्ड्स ढूंढकर लिखने हैं, बट कंडीशन है कि सेम ऑर्डर में ही होने चाहिए। मैं इसका मतलब बता देती हूँ, सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्शन दिया हमें फर्स्ट, तो इसमें से हमें स्मॉल वर्ड ढूंढना है। यहाँ पर पूरे 3 ब्लैंक्स हैं हर वर्ड्स के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हमें 3 मिले, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 है क्या। एक्शन में देखिए सेम ऑर्डर मीन्स जैसे कि ए सी टी एक्ट हो गया, तो हमें पहला हमारा स्मॉल हिडन वर्ड मिल गया है एक्ट। ओके, मीन्स एक्टिंग करना, एक्ट करना। फिर देखिए यहाँ पे ओ एन ऑन मिल रहा है, तो ओ एन ऑन, बस यहाँ पे और कोई भी देखिए लाइन से बोला है, मतलब आप चाहे अभी आप बोलेंगे आई एन इन भी तो होता है, बट नहीं, ऑर्डर चेंज है ना, ओ है बीच में तो आई एन हम नहीं ले सकते हैं। अगर आई एन एक साथ होता तो हम लिख सकते थे, इसे बोलते हैं ऑर्डर। आप आई एन नहीं ले सकते हो, आप टी ओ टू नहीं ले सकते हो क्योंकि बीच में आई है। तो इसमें यही आपको दिया है कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ए सी टी देखिए एक्ट ऑर्डर में है, ऑन ऑर्डर में, तो हम एक्ट और ऑन लिखेंगे। बस यहाँ पे एक ब्लैंक ही रहेगा बिकॉज ओनली 2 ही यहाँ पर फाइंड हो रहे मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सॉन्ग है। सॉन्ग में देखिए एसओ सो मिल गया है, तो मैंने एसओ सो यहाँ पर लिख दिया है। और क्या मिल रहा है, ओ एन ऑन, यस तो ओ एन ऑन लिख दिया है। एसओ एन सन भी हो गया, एसओ एन सन। तो देखा आपने स्टूडेंट, यहाँ पे तीनों भी वर्ड्स हमें ऑर्डर में ही मिले हैं, हमें कोई भी बीच में से या आगे पीछे से नहीं लिया है। तो इसी तरीके से आपको ऑर्डर से लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल हिडन वर्ड बोले हैं तो आप जियो गो यहाँ से उठा के लिख दिया, तो ये इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उस क्लास में, मीन्स एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा इस पर, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ऑर्डर बोला है तो सेम ऑर्डर में ही लेना है, तो इसका आप स्पेशली ध्यान रखिए एग्जाम लिखते टाइम कि यहाँ पर क्या बोला है। सेम ऑर्डर बोला है तो सेम ऑर्डर मिलना है, अगर नहीं बोला है ऐसा कुछ भी, सिर्फ बोला है फाइंड हिडन वर्ड्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कहीं से भी लाइक जी ओ गो लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आई एन इन था वो लिख सकते हैं, तो ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट थर्ड वन, लिसन। तो लिसन में देखिए एल आई एस टी लिस्ट हो गया, वो मैंने लिख लिया, और टी ई एन टेन हो गया, ये भी लिख लिया, और देखिए यहाँ पे आई एस इज भी हो रहा है, तो ये भी लिख लिया। तो इसमें भी हमें पूरे 3 मिल गए हैं, सिर्फ हमें एक्शन में 2 वर्ड्स मिले हैं, बाकी सब में हमें 3
मिल चुके हैं। तो अगर आपको स्टूडेंट ये आंसर लिखना है तो आप लिख लीजिए, बट समझ के लिखिए। स्टिक द पिक्चर्स ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। यस, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए हैं, इसमें आपको कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि फेस के जो भी बॉडी पार्ट्स बोले हैं उसमें से आपको यहाँ पे स्टिक करने हैं जिसके नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर आपके पास स्टिकर नहीं है तो आप उसको पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छी तरीके से ड्रॉ करके कलर कर दीजिए। तो ईयर से देखिए, EARS, तो आपको यहाँ पे ईयर्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है। आप चाहे तो इसे स्किन कलर से कलर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिखे, तो आपको स्टिकर की भी जरूरत नहीं है। फिर है लिप्स, तो यहाँ पर लिप्स ड्रॉ करके आप उसमें रेड कलर कर दीजिए। हो गया हमारा लिप्स रेडी, ऐसे कर्व करना है और एक कर्व करना और बीच में से, तो ये हो जाएगा लिप्स। आईज तो आपको आती ही है, ओके, ओवल शेप करना है और बीच में सर्कल कर देना है और ये आई लैशेस कर देना है, तो हो गया हमारा आईज रेडी। फिर है नोज, यस, आप कुछ इस तरीके से कर्व यहाँ से ऐसे जाते हुए नोज बना लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी इजी नोज बना सकते हैं। सो ये नोज हो गया। सो ईयर, लिप्स, आईज, नोज, ये बॉडी पार्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। आप नहीं ड्रॉ करना चाहते या आपको नहीं आती ड्रॉइंग तो आप स्टिकर भी लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो स्टिक करने को ही कहा गया है। सो यहाँ पे जो है स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है यूनिट 4 का वेरी फर्स्ट चैप्टर एन एक्शन सॉन्ग का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कम्प्लीट होता है। सो स्टूडेंट, इसको आप अगर आप क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ओके। तो आप ये बुक अपनी जो वर्कबुक का आंसर से कंप्लीट कीजिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, यूनिट 4 का चैप्टर 2 हम करेंगे, पहले टेक्स्ट बुक का करेंगे और फिर वर्कबुक का करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।